आसान क्वेश्चन है ना, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। यहाँ पे आपके पास जब भी किसी रो या कॉलम में आपके पास वन हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, किसी कॉर्नर वाले को इस्तेमाल कर लें और बाकी दो जगह हम लोग क्या बना सकते हैं, जीरो बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। तो स्टार्ट करने का तरीका तो आपको पता है, और आपको प्रूफ क्या करना है, साफ साफ दिख रहा है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ ऐसे भी ऑब्जर्व करी जा सकती है कि अगर ए की वैल्यू आप बी प्लेस कर दीजिए, ठीक है, तो ये रो और दूसरी रो मतलब रो आर वन आर टू आइडेंटिकल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इक्वल्स टू बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए माइनस बी इसका फैक्टर होगा फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। इसी तरह से बी माइनस सी और सी माइनस ए दोनों ही फैक्टर होंगे, है ना। तो आप ये एक तरह से जो आपकी डिटर्मिनेंट है ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट होती है, और आपको इसका रिजल्ट याद रखना होता है बड़े क्वेश्चंस करने के लिए, खैर ठीक है, और आसान भी है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो बनाना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हम लोग लगाएंगे, आर टू को ट्रांसफॉर्म करेंगे आर टू माइनस आर वन, आर थ्री को ट्रांसफॉर्म करेंगे आर थ्री माइनस आर वन, एंड वी गेट द रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट डज नॉट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। लेकिन शक्ल जरूर चेंज हो जाएगी, ए ए स्क्वायर एंड जीरो बी माइनस ए, ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा जीरो दैट इज सी माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, बी माइनस ए और यहाँ भी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए और बी माइनस ए, तो दैट कुड बी रिटेन एज ए बी माइनस ए टाइम्स बी प्लस ए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप लिख सकते हो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सी माइनस बी टाइम्स सी प्लस बी, और साफ साफ दिख रहा है कि आर टू रो से कॉमन हो रहा है बी माइनस ए, है ना, और आर थ्री रो से आपका सी माइनस बी कॉमन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखे इसके लिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं कॉमन करने के लिए, ठीक है, कि आर टू ट्रांसफॉर्म एज ए, कॉमन करने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो वन बाई बी माइनस ए टाइम्स आर टू, और इसी तरह से आर थ्री से कॉमन करना है तो आर थ्री ट्रांसफॉर्म एज ए वन बाई सी माइनस बी टाइम्स आर थ्री। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे b माइनस ए टाइम्स, ठीक है, इंटू सी माइनस बी टाइम्स, तो फिर से वो आइडेंटिकल हो जाएगी, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। अच्छा, डिटर्मिनेंट बची क्या, डिटर्मिनेंट का जो पहला रो है वो तो अनचेंज रहेगा, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा नहीं है, दूसरा रो पे क्या हो जाएगा जीरो, यहां से b माइनस ए डिवाइड होगा तो वी गेट वन हियर, एंड यहां से b माइनस ए डिवाइड होगा तो एक ब्रैकेट b प्लस ए बचेगी, उसी तरह से यहां पे c प्लस b बचेगा, यहां वन बचेगा और यहां जीरो बचेगा। अब क्या किया जाए, अब आपके पास या तो आप एक्सपेंड कर दीजिए, है ना, लेकिन हम लोग एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं। देखिए यहां भी वन है, यहां भी वन है, तो इसकी हेल्प से हम यहां जीरो बना लेते हैं, ठीक है, बड़े आराम से ये किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन लिख दे रहे हैं, आर थ्री दैट इज आर थ्री माइनस आर टू, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, एंड वी गेट क्या हो जाएगा आपका बी माइनस ए टाइम्स सी माइनस बी, एंड योर डिटर्मिनेंट बिकम वन ए ए स्क्वायर बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल्सो देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, बी प्लस ए ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो और माइनस वन, ठीक है, माइनस आर टू में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं आर थ्री में, तो माइनस वन और प्लस वन इट बिकम जीरो, माइनस बी माइनस ए ला के ऐड करेंगे तो प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस ए बचेगा, सी माइनस ए, और कमाल की बात यह है कि आर थ्री से सी माइनस ए भी आपका कॉमन हो गया, है ना, तो क्या करें आर थ्री से सी माइनस ए कॉमन करने की तैयारी करें, और उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या लिखोगे। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन जरूर लिखा करिए, है ना, आपको जो मार्क्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे भी मिलते हैं, और अगर आप नहीं लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको वो पार्ट ऑफ द मार्क्स, ठीक है, नहीं मिलता है।
तो दैट इज वन अपॉन सी माइनस ए टाइम्स आर थ्री, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब एक और ब्रैकेट आ जाएगी बाहर, बी माइनस ए, और सी माइनस बी तो पहले से था, अब आपके पास सी माइनस ए भी आ जाएगा, एंड योर डिटर्मिनेंट बिकम, ये तो रहेगा आपका वन ए ए स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो वन बी प्लस ए एंड ज़ीरो ज़ीरो और सी, यहाँ पे वन हो गया क्योंकि सी माइनस ए से आपने डिवाइड किया है, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब कुछ नहीं करना है, अब सीधे सीधे एक्सपेंड कर दीजिए, आपको जो डिज़ायर रिजल्ट था इन तीन ब्रैकेट की ज़रूरत थी, है ना, बस अर्थे यहाँ ए माइनस बी चाहिए था, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ बी माइनस सी चाहिए था, यहाँ से भी माइनस कॉमन कर लेंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा, और दो माइनस बाहर आगे प्लस हो जाएंगे, और सी माइनस ए तो है ही है ना, तो इसका मतलब रिजल्ट आ चुका है। अब क्या आप गेस कर सकते हो कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वन आए, है ना, तो आएगी ही, आप बस एक्सपेंड कर दीजिए, और एक्सपेंड किसके अलॉन्ग करेंगे, जिसके अलॉन्ग मैक्सिमम जीरोज हो, तो पहले कॉलम के अलॉन्ग मैक्सिमम जीरोज है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग सी वन, क्या हो जाएगा आपका, दैट बिकम, अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन हम कर ले रहे हैं, तो दैट इज ए माइनस बी, और ये आप क्या कर लोगे, बी माइनस सी, यहाँ से भी माइनस कॉमन कर लिया तो इट बिकम प्लस, और सी माइनस ए तो था ही, है ना, साथ में ये भी काम कर ले रहे हैं, और आप एक्सपेंड कर रहे हो, मतलब वन टाइम्स क्या हो जाएगा, वन टाइम्स ये कॉलम बंद और ये रो बंद हो जाएगी, जिस, है ना, जिस भी रो और कॉलम में एलिमेंट है वो दोनों बंद हो जाएगा, क्या बचेगा, वन जीरो और बी प्लस ए वन। अब देखिए क्या आएगा, टू बाई टू की डिटर्मिनेंट हो गई, लीडिंग डायगनल का प्रोडक्ट वन हो गया और हाफ डायगनल का प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन माइनस जीरो, दैट मीन्स वन। आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, इसकी वैल्यू आपकी वन आ गई, है ना, अब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज तो होने वाला नहीं है, तो हम लोग यही रहने देते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव, ठीक है। तो काफ़ी आसान है आंसर, ये रिजल्ट आपको याद भी होना चाहिए बड़े क्वेश्चंस करने के लिए या कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए।